दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। अमृतसर में रणजीत एवेन्यू में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय पाइटेक्स ट्रेड एक्सपो शुरू होने जा रही है। इस विशेष कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए अमृतसर के जिलाधीश रवि भगत द्वारा एक विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले पाइटेक्स एक्सपो का उद्घाटन पंजाब के उद्योग मंत्री मदन मोहन मित्तल विशेष रूप से उपस्थित होकर करेंगे, जबकि कार्यक्रम के अंतिम दिन स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस एग्जीबिशन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इराक आदि देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इसके अलावा एग्जीबिशन में 400 के करीब स्टॉल लगाए जाएंगे। पंजाब और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जॉइंट एफर्ट्स के नाल पाइटेक्स का 10वां मेला इतने लग रहा है रणजीत एवेन्यू अमृतसर के विच। तो ये मानयोग मदन मोहन मित्तल जी मंत्री साहब इनॉग्रेशन करेंगे। 3 तो लैके 7 जो मेला चल रहा वो अंदर 350 के करीब स्टॉल्स ऑलरेडी ईयरमार्क करके अलॉट कर दिए गए हैं। अलग अलग देशों तो इतने लोग पार्टिसिपेट कर आ रहे हैं। 7 कंट्रीज़ के भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस तो अलावा थाईलैंड तो भी स्पैशल पार्टिसिपेशन हो रहा और ईरान तो भी पार्टिसिपेट कर लोग आ रहे हैं। खास करके जो इस बार नवा उपराला किया जा रहा है वह बायर सैलर मीटिंग का है। 150 के करीब मैंबरस इतने मीटिंग होगी 4 तरीक में, जिद बायर सैलर एसोसीएशन अपन व्यापारिक साझा गूढ़िया करे। कोशिश यही है कि व्यापार का वाधा किया जाए और अमृतसर नवी रीत शुरू की जाए ताकि इंटरनेशनली ट्रेड में काफ़ी बढ़ावा मिले और पंजाब और अमृतसर खास करके बहुत फायदा हो। गवर्नमेंट लैवल से असी हर तरह ना कोशिश करते हैं कि इतने इंडस्ट्री जिन्हें तक अमृतसर नहीं आती और जी पुरानी इंडस्ट्री है उन्होंने रिवाइव नहीं कर पाते तो असं अमृतसर लिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर पावे। एग्जीबिशन करन दा यही है कि लोगों को मोटिवेट कर सके, जिन्हें भी मंत्री साहबान साढ़े इतने आते अमृतसर उन्होंने मोटिवेट कर सके कि वो इंडस्ट्रियल पैकेज लैके आन खास करके अमृतसर वच, ताकि जो पुरानी इंडस्ट्री होंगी सी 1980 के दौरान वो इंडस्ट्री फिर इतने इस्टैबलिश हो सके और अमृतसर का इकोनमी बहुत स्ट्रोंग और साउंड बन सके। इस बार हमने स्पेशली एक्साइज डिपार्टमेंट से मीटिंग की है। एक्साइज वाले जो जितने लोग हैं वो यहाँ पे ही स्टॉल लगाएंगे, उनकी जो पेमेंट्स हैं उनको कहीं बिल भरने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे होंगी। हम लोग कैश रात को डिपॉजिट किया करेंगे, सारा दिन उनका जो है वो चेक किया करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी आइटम्स थी जो सेल हुई उन पर टैक्स